और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। वेलकम रसोई में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। वेलकम रसोई एक और नई रेसिपी लेके आई है, होम मेड पिज्ज़ा, जो सिर्फ हमने एक ऐसे चीज़ से बनाया है जिससे आपको उम्मीद भी ना होगी कि कैसे बनाया जाएगा। ओवन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है आज हमको, तो चलिए बनाते हैं होम मेड पिज्ज़ा। यहाँ पर हमने 5 से 6 सब्जियाँ ली हैं, प्याज ली है, बीन्स ली हैं, पीली शिमला मिर्च आती है वो ली हुई है, टमाटर, हरी शिमला मिर्च और ये भुट्टे के दाने होते हैं कॉर्नफ्लोर कहते हैं इनको, वो लिया है हमने, पिज्ज़ा सॉस, टमाटो सॉस, ये चीज़ें हैं। हमने 1/4 आटा लिया है, कप आटा लिया है, 1/4 कप ही हमने मैदा लिया है, थोड़ा सा दही लिया है, 3 से 4 चम्मच दही होगा। तो चलिए अब बनाते हैं। यहाँ पर हमने डाला दही, थोड़ा दही डालेंगे हम। ये हमने 1 पिंच बेकिंग सोडा डाला है, खाने का सोडा नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, उससे भी अच्छा हमारा फूल के पिज्ज़ा बन के तैयार होगा, फ्लफी बनेगा। यहाँ हम थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल देते हैं मैदा और आटे में। आप चाहें तो मैदा में ही बना सकते हैं पिज्ज़ा या आटे में भी बना सकते हैं, मैंने दोनों चीज़ ली है। अच्छे से ये सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं। अब डालते हैं यहाँ पर पानी। तो आखिरी तक देखिए मैंने पिज्ज़ा किस चीज़ में बनाया है, स्किप ना कीजिए दोस्तों, देखिए ज़रूर कि कहाँ तक कौन सा मैंने ओवन या अवन किस में बनाया है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमने ऐसी चीज़ में बनाया है कि इससे आपको उम्मीद भी ना होगी कि किस चीज़ में हम पिज़्ज़ा को बना सकते हैं। आखिरी तक ज़रूर देखिए। आटे को अच्छे से गूंद लेते हैं मिसल मिसल के। आटा ऐसे चिपकना चाहिए जिससे हमारा आटा और फ्लफी बने। आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिया था हमने, अब तेल लगा के आटे को फिर से मिसल लेते हैं। आटे को अच्छे से मिसलना है जिससे हमारा पिज़्ज़ा बेस अच्छा बने। अच्छे से मिसल लेते हैं, बेस को हमें ऐसे ही बनाना है, देखिए इतना ऐसे ही हमको डो तैयार करना है। हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है, अब हम चलिए इसकी एक अच्छी सी चपाती बना लेते हैं। थोड़ा सा आटा हमने सूखा डाल लिया है जिससे हमारा आटा चिपके ना। अच्छे से बेल लेते हैं। अब हम इसको चाकू की सहायता से थोड़ा सा छेद कर लेते हैं जिससे हमारा बेस फूले ना। हमको ऐसे ही पतली या मोटी मीडियम साइज़ की हमको चपाती चाहिए, ना मोटी होनी चाहिए ना पतली होनी चाहिए, जिससे हमारा पिज्ज़ा अच्छा से बने। हम छेद इसलिए कर रहे हैं इसमें कि जिससे हमारा पिज़्ज़ा फूले ना। चलिए एक प्लेट में रख लेते हैं। एक प्लेट में अच्छे से रख लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा हमको इसलिए आटा कर रहे हैं जिससे हमारा चीज़ ऊपर डलेगा जो पिघले तो बाहर ना निकले उसमें से। तो देखिए हमारा बेस तैयार है।
इसमें हमने लगा दिया है पिज्जा सॉस, 3 से 4 चम्मच पिज्जा सॉस लगाई है मैंने यहाँ पर। दो से ही 1 से 2 चम्मच यहाँ पर मैंने टमाटर सॉस लिया है। अगर आपके पास शेज़वान चटनी हो तो वो भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा तीखापन आएगा। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लगाया, मैंने बोला ना जो अवेलेबल है उसी से बनाएं। तो चलिए सरप्राइज़ ख़त्म हुआ, अब हम आपको बता देते हैं हम बनाने जा रहे हैं बाटी कुकर में पिज्ज़ा। तो आपने पहली बार देखा है ना, हाँ तो चलिए बनाते हैं बाटी कुकर में हम पिज़्ज़ा। अब यहाँ पर हम सब्जियों को डाल देते हैं अच्छे से। दिख रहा है ना इतना अच्छा, वैसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी यम्मी बना था। जब हम घर पे पिज़्ज़ा बना सकते हैं तो बाहर से ज़रूरत क्या है लाने की, बाहर से पता नहीं कैसे क्या बनाते होंगे। हम अपने सामने आँखों के सामने बनाएं, अपने हाथों से बनाएं तो और ही अच्छा बनता है ना पिज़्ज़ा। तो आप घर पे एक बार ट्राई कीजिए, आपके पास अगर बाटी कुकर ना हो तो कढ़ाई में भी बना सकते हो। एक काम कीजिए, उसमें कढ़ाई में लीजिए, उसमें नमक डालिए, थोड़ा सा ऊपर उसके कटोरी रखिए, अगर स्टैंड ना हो तो आप उसके भी उसमें भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बाटी कुकर में ही पिज़्ज़ा बनाया है। चीज़ की बारिश हो गई है यहाँ पर, हमने अच्छे से चीज़ डाल दिया है। अब यहाँ पर हम रख देते हैं पिज़्ज़ा को, थोड़ी देर हम पिज़्ज़ा प्लेट में ही रखेंगे। जिससे हमने इसलिए रखा है पिज़्ज़ा प्लेट में, जिससे हमारा ये जो हमने बेस को तैयार किया वो नीचे हमारे आटा ना जाए, जालियाँ हैं ना इसलिए। देखिए बनके तैयार है हमारा पिज़्ज़ा। हमने 20 से 25 मिनट हमने इसको ओवन में, सॉरी बाटी कुकर में हमने इसको किया था। 20 से 25 मिनट में हमारा पक के तैयार हो गया था, बेक हो गया था। तो आप एक बार देखिए कितना अच्छा यम्मी बन के तैयार हुआ है हमारा पिज़्ज़ा। देखिए होममेड पिज़्ज़ा तैयार है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि कैसा बना है कैसे नहीं। और आप पे घर पे भी बना के देखिए, बहुत यम्मी बनता है पिज़्ज़ा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।